हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लॉट नहीं है दोस्तों, ये इसी में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है इस प्लॉट में, क्लियर। आपको केवल साइड गिवन है तीनों साइड की दोस्तों, उससे आपको एरिया निकालना है। दोस्तों कैसे निकालोगे एरिया, देखने से पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। लाइक कमेंट एंड शेयर जितना चाहो आप उतना कर सकते हो दोस्तों। बस केवल आपको करना है सब्सक्राइब बटन दबाना है दोस्तों, इसके साथ में घंटी दबाना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप मेरा वीडियो को देख सकते हो दोस्तों। दबा दिए दोस्तों, देखिए अब हम लोग वीडियो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका ट्रायंगुलर प्लॉट है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है दोस्तों, क्लियर। इसका आपको एरिया निकालना है, निकाल सकते हो। यह भूल नहीं करना दोस्तों कि इसमें 1y2b2h कर दो, आपका एरिया गलत आएगा जी। और ये केवल लगता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल में, जब आपको h मालूम होता है, v मालूम होता है, 1y2 into b into h कर दो दोस्तों, तो आपका एरिया निकल कर आएगा। लेकिन इस टाइप के ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है आपका, जब ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। करना क्या है दोस्तों, केवल और केवल दो स्टेप में आपका एरिया निकल कर आएगा। देखिए, कैलकुलेट दी हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड कॉल इट एस। सबसे पहले आपको करना है, इन तीनों साइड्स को आपको जोड़ना है, उसका हाफ करना है दोस्तों। आपको वहां से निकल कर आएगा आपका एस। देखिए दोस्तों, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाई टू, क्लियर। अब आपको करना क्या है, एस की वैल्यू सेकेंड फॉर्मूले में पुट करना है स्टेप में। देखिए सेकेंड स्टेप में क्या फॉर्मूला रहता है दोस्तों, हीरोन फॉर्मूला है ये आपका, ए इक्वल टू एस अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल बताता हूं आपको प्लॉट के लिए। ये आपका प्लॉट है, 16 मीटर इसकी एक साइड है, 22 मीटर इसकी दूसरी साइड है, तीसरी साइड है इसकी 12 मीटर। इन्हें हमने एबीसी मान लिया, ए इक्वल टू 12 मीटर, बी इक्वल टू 22 मीटर, सी इक्वल टू 16 मीटर, क्लियर दोस्तों। तीनों साइड आपके प्लॉट के रोड है, ऐसी कंडीशन में आपका प्लॉट है। अब इसका आपको एरिया निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था दोस्तों, पैरामीटर का हाफ कर दो आप, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, तो यहां से मेरा एस कैलकुलेट हो जाएगा 25 मीटर। अब मैंने क्या बताया था, दूसरा हीरोन फॉर्मूला पुट करना है आपको ये वैल्यू एस की। क्या होता है हीरोन फॉर्मूला हमारा दोस्तों, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ब्रैकेट में, क्लियर। तो यहां से आप ये सारी वैल्यू पुट करिए, एस आपकी आपने जो अभी निकाला था 25 मीटर, वो ए क्या थी दोस्तों, ए बी सी ये आपकी साइड है, 25, 25 माइनस 12, 25 माइनस 22, 25 माइनस 16, तो यहां से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में आपका एरिया निकल कर आएगा प्लॉट का 93.7 स्क्वायर मीटर, क्लियर दोस्तों। इसको आप स्क्वायर फीट में भी कर सकते हो 10.76 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं दोस्तों। कुछ भी कर सकते हो आप, स्क्वायर इंच में भी निकाल सकते हो। इसके लिए आपको मेरा यूनिट कन्वर्जेशन वाला वीडियो देखना होगा दोस्तों। आप कोई भी एरिया निकाल सकते हो दोस्तों। आप यदि आपको कोई भी ट्रायंगुलर प्लॉट में दिक्कत है एरिया निकालने में, तो आप कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।